लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों का हर संभव दांव लोगों के मन पर एक अलग छाप छोड़ रहा है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। और इनका कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर बेहतर नतीजों के लिए नेताओं का हर संभव कोशिश करना भी जायज है। लेकिन जब किसी राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यक्रम तय वक्त से पहले ही खत्म हो जाए तो सियासी शोर मचना तो लाजमी सी बात है। और ऐसा ही शोर मच रहा है कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की थी और सहारनपुर से 20 दिसंबर को शुरू हुई इस यात्रा को 12 जनवरी को लखनऊ में खत्म होना था। उसी दिन प्रियंका गांधी का जन्मदिन भी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस यात्रा के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आमंत्रित भी किया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि 12 जनवरी को आखिरी दिन प्रियंका गांधी इस यात्रा का समापन करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये यात्रा शनिवार यानी 6 जनवरी को ही लखनऊ में खत्म हो रही है। बीते दिन हम भी जोड़े तुम भी जोड़ो यूपी जोड़ो यूपी जोड़ो के नारे के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दिए। सर्दी और बारिश के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद प्रमोद तिवारी सहित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बख्शी का तालाब बाजार क्षेत्र से अपनी यात्रा शुरू की थी। मेडियन अगला पड़ाव था जहां से कार्यकर्ता पैदल चले। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ताड़ीखाना और हाथी मंदिर मोड़ समेत कुछ स्थानों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और यूपी में बीजेपी सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं, जो कि शर्मनाक है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी योगी सरकारें नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और कचरे की सफाई जैसे नगर निगम के कामों को नजरअंदाज कर रही हैं और सेल्फी पॉइंट बनाने में व्यस्त हैं। यूपी जोड़ो यात्रा त्रिवेणी नगर रोड से होते हुए शिया पीजी कॉलेज, तिली वाली मस्जिद और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर तक पहुंची। मस्जिद में नमाज और मंदिर में पूजा करने के बाद अजय राय और यात्रा चौक पहुंचने के लिए बड़ा इमामबाड़ा की ओर बढ़ी। महिला कांग्रेस की सदस्यों ने बारिश के बावजूद यात्रा का स्वागत किया। इससे पहले यूपी कांग्रेस ने दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए दलित गौरव संवाद यात्रा शुरू की थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं दिखा। यह यात्रा कांशीराम के परिनिर्माण दिवस 9 अक्टूबर को शुरू हुई थी और संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को खत्म हुई थी। कांग्रेस यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, लेकिन इस बार गठबंधन के बावजूद यूपी में सपा के सामने उन्हें कितना महत्व मिलेगा यह भी बता पाना काफी मुश्किल है।